अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक अमजद। आप देख रहे हैं टेक्निकल बेस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप सब लोग व्हाट्सअप तो इस्तेमाल करते होंगे और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ऑडियो और वीडियो कॉल भी करते होंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप की कॉल को रिकॉर्ड करना नहीं आता होगा। तो आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा आप व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर, स्काइप और अपने मोबाइल फ़ोन की तमाम तरह कॉल्स किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर आपको ये पहली वीडियो मिलेगी जो कि आपको बताएगी कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर्स और अपने मोबाइल फोन की कॉल एक साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जब भी आप किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन आपको स्क्रीन पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तरीका सिखाने वाला हूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपको नहीं समझ आएगी कि आप लोगों ने अपनी व्हाट्सएप कॉल को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्यूब ACR। तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल मुकम्मल एक्सेस दे देनी है ताकि ये एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप जैसे किसी अपने फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, जैसे आप अपने फ्रेंड्स का नंबर डायल करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको ऑलरेडी दो रिकॉर्डिंग मिल रही हैं, जो अभी रिकॉर्डिंग हुई है वो आप लोगों ने कैसे निकाली है। तो यहाँ पे आपको माइक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर एक और माइक नजर आएगा, तो आपने उसी वक्त उसके ऊपर भी क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है 8:49 पे। जैसे ही हमने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल डायल की तो इसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के अंदर कोई भी कॉल डायल करते हैं तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर करें, स्काइप के ऊपर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर करें, व्हाट्सएप के ऊपर करें, आप मोबाइल फोन के ऊपर किसी को कॉल करते हैं तो यह एप्लीकेशन आपकी हर कॉल को रिकॉर्ड करती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही की बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।